अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जैसे कि मौसम है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूं जो आप फटाफट से बनाएं और फिर इसके बाद बनाते रहें, क्योंकि अब मौसम आ गया है बहुत ही ठंडा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म का सूप बना है। अब आपको बाहर से मंगवाने की या जाके बाहर पीने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बनाएं। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। जी यूट्यूब फैमिली, तो इसके लिए मैंने किया है पानी को बॉयल। पानी मैंने डाला है एक पतीले के अंदर और अब मैंने उस बॉयल पानी के अंदर शामिल कर लिया है चिकन। चिकन मैंने शामिल कर ली। चिकन जब शामिल हो जाए तो अब आपने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स। ये जी चिकन इसके अंदर शामिल हो चुकी है। चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इसको मैंने पानी के अंदर शामिल कर लिया। अब ये चिकन जी इसको अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। जी यूट्यूब फैमिली, चिकन बॉईल होने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी मकई के दाने जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे। ये जी मकई के दाने मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं 1 कप और अब मैं इसको क्या करूंगी, मिक्स। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें शामिल करेंगे मकई के दाने, लेकिन वो वाले मकई के दाने कि जो मैंने पहले से इसको पीस लिया था। दो तरह के आपने मकई के दाने शामिल कर लेने हैं, एक जिनको आपने अच्छे से पहले पीस लिया हो और दूसरे जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, जो सिर्फ और सिर्फ बॉयल हुए हुए हों। जी तो अब हम करेंगे इसको मिक्स। आप पानी थोड़ा भी शामिल कर सकते हैं, जितना आपने सूप बनाना हो आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जी तो अभी हमने इसमें शामिल किया है चिली सॉस 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून चिली सॉस मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है और अब हमने इसमें शामिल किया है सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर ली हैं और 1 टेबलस्पून अब इसमें मैंने शामिल किया है सिरका जी शामिल हो चुका है विनेगर। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर लिया नमक, 1 टेबलस्पून और इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून आपने नमक इसके अंदर शामिल कर लेना है। जी तो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें कि नमक जो है वो अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और बाकी चीज़ें भी अच्छे से पक सके। अब हमने इसको अच्छे से पकाते रहना है। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। अंडे को देख लें, अच्छे से फेंट लेना है आपने। जब ये अच्छे से इसकी भी मिक्सिंग हो जाए तो आपने इसको, ये जो हमने पतीले में सारी चीज़ें मिक्स करके रखी थी उसमें शामिल कर देना है। लेकिन इसके लिए एक इधर ट्रिक आपको यूज़ करनी है कि जैसे जैसे आपने एक चमचे की मदद से इसको मिक्स करना है और वैसे वैसे ही आपने इसके अंदर अंडे को शामिल कर लेना है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अंडे को इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये जी मैंने एक अंडा इसके अंदर शामिल कर लिया है। साथ साथ अच्छे से मिक्स कर लें और साथ साथ अच्छे से इसको पकाते जाएं। ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। इसी तरह की मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इट्स काइनेटिक वर्ल्ड के नाम से। मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, ज़रूर फॉलो कीजिए और मज़े मज़े की टिप्स लीजिए जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जी यूट्यूब फैमिली, अब आपने इसको अच्छे से पकाना है। अब इधर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ काली मिर्च, ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल कर ली है 1 टेबलस्पून, 1 फुल टेबलस्पून। ओके, तो वो आपने इसके अंदर शामिल कर लेनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये हो जाता है कि आपकी जितनी भी जो टेस्ट होता है वो आपको जब ये अच्छे से पक जाती है तो बहुत अच्छा आता है। इधर इसमें क्नोर चिकन क्यूब में ऐड करने लगी हूँ 1, जिसकी क्वांटिटी 1 है। अब वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है और फिर अच्छे से मिक्सिंग अच्छे से कर लीजिए कि हर एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से पक जाए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरा धनिया और हरी मिर्ची। देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो सर्दियों में सूप बहुत पसंद है,
तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब क्योंकि लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो चुका है तो ये सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना स्लो मोशन बना लिया जाए और थोड़ी 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 सी ज़बरदस्त किस्म की शोधियाँ मार लीजिए इस सूप के साथ। ये जी देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका स्लो मो बन रहा है, तो आप थोड़ा इन्जॉय कीजिए स्लो मो को। चलें जी ख़त्म करते हैं अब ये शोधियाँ और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को दोबारा से। और यहाँ पे ये अगला स्टेप ये है कि अब हमने लिया है पानी 1 कप, जैसे कि आपको दिख रहा है एक प्याले में आपने पानी ले लेना है और उसमें आपने मिक्स करना है अच्छे से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब इसको आपने शामिल कर लेना है उसी पतीले के अंदर, साथ साथ आपने मिक्स करना है और साथ साथ इसके अंदर पतीले में शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर के सॉल्यूशन को। ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इससे ये हो जाएगा कि आपका जो सूप है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और थिक हो जाएगा, जो खाने में बहुत मज़ा आएगा और सबकी वाह वाह तो आप ले लेंगे। ये जी मैंने अच्छे से सूप में इसको शामिल कर लिया है। अब ये हमारा जो सूप है ये बिल्कुल रेडी होने पर आया है। जी YouTube फैमिली, अब आपने इस सूप को 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। इस 20 से 25 मिनट के दौरान आपने चमचे से इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहना है कि हर एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अब हमने इसको 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जी YouTube फैमिली, अब मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद फाइनल लुक के साथ। जी YouTube फैमिली, आज की मजेदार रेसिपी आपके सामने है, इसका रिजल्ट और यकीनन आपका दिल चाह रहा होगा इस ठंड में बनाने को, तो फौरन जाइए और ये सारी चीजों से मिलकर बनाइए बहुत ही जबरदस्त सूप घर पे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती हैं बहुत ही इजी इजी रेसिपीज। जी YouTube फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी इजी रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।